हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं जैमिनी यानी मिथुन राशि के लिए अक्टूबर 2023 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसी को लेकर ये रीडिंग है। गर्ल्स बॉय सभी के लिए रीडिंग होगी। जो सिंगल है, मैरिड कपल्स हैं या अगर किसी रिलेशनशिप में, तो आप सभी के लिए यहाँ रीडिंग और मैसेजेस होंगे। यहाँ मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और काफ़ी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट अगर टैरो के साथ स्टार्ट करें आपके लिए रीडिंग, तो यहाँ आपके लिए कार्ड आया है जैसा थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोग अभी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, और ये कोई पर्सन हो जरूरी नहीं है, उनकी फैमिली फ्रेंड्स या कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो खराब हुआ किसी थर्ड पर्सन की वजह से। कुछ लोग अभी ब्रेकअप से जूझ रहे हैं, कुछ लोगों का रिसेंटली अभी तलाक वगैरह हुआ हो सकता है। और अगर आपने ऐसा कुछ फेस नहीं भी किया है, आप एक सिंगल पर्सन हैं, तो भी काफ़ी ज़्यादा जीवन में परेशानी उठाई है आपने और लोगों की बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है आपके जीवन में, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान रहे हैं रिसेंटली। और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर जो आपसे अभी अलग हुए हैं या आप भी उनसे ब्रेकअप के फेज से गुजर रहे हैं। पर यहाँ सन आप देख रहे हैं राइज हो रहा है बैक में, तो आप इस सिचुएशन के बाद जीवन में एक नई शुरुआत जरूर करेंगे। तब तक आपको पेशेंस यहाँ सजेस्टेड होगा। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है सिक्स ऑफ कॉइन्स का। कुछ लोग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ भी रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो इस तरह के कोई पर्सन आपके जीवन में आ सकते हैं थ्रू मैरिज प्रपोजल या फ्रेंडशिप। उनको ऑफर हो सकती है, एक बहुत ही खूबसूरत और गिविंग नेचर के पर्सन आपसे जुड़ सकते हैं। एनजीओ में काम करने वाले हो सकते हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ करेंगे और बदले में आप भी उनके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। काफ़ी गिविंग रिसीविंग रहेगी ऐसा लग रहा है, और बहुत काइंड हार्टेड उनकी एनर्जी लग रही है इस मंथ के लिए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ आया है टू ऑफ कॉइन्स का। कुछ लोग जो हैं वो दूरियों पे रिश्ता बनाए हुए हैं, यानी आपके पार्टनर आपसे काफ़ी दूर है, आप काफ़ी टाइम से उनका वेट कर रहे हैं, और इस मंथ में भी आप यहाँ लग रहा है कि काफ़ी पेशेंस आपने रखा है अभी तक। कुछ लोगों के पार्टनर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हैं और मल्टीटास्कर है, जॉब के साथ कोई साइड वर्क करते हैं या कोई बिजनेस है उसके साथ कोई और काम करते हैं वो, तो इस तरह के कोई पर्सन हो सकते हैं। पर फिर भी यहाँ ऐसा लग रहा है कि इंतजार वाली एनर्जी है आप में से कुछ लोगों की। अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं तो भी आप शायद किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी राइट पर्सन का वेट कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ दिख रहा है। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। कुछ लोग एरीज लियो सजिटेरियस के साथ रिलेशनशिप में हैं, यानी मेष राशि सिंह राशि धनुराशि के आपके पार्टनर हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई फायर साइन है जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत प्यार मोहब्बत आपके लिए फील करते हैं, पर ये आपके सामने आने से डरते हैं। वैसे ये बहुत कॉन्फिडेंट और ब्रेव हैं, पर यहाँ आप देख रहे हैं इन्होंने पूरा कवर किया है, तो ये नहीं चाहते कि अभी आप इनको पहचानें। दिल ही दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं इनके लिए, इनके मन में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं ऐसा दिख रहा है। और वहीं आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर हो सकता है सामने आपके बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते, पर उनके दिल में काफ़ी अरमान हैं ऐसा दिख रहा है। वहीं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है नाइन ऑफ वॉन्स का, पर ये रिवर्स में आया है, तो यहाँ काफ़ी पैशन जो है आपके पार्टनर आपको लेकर फील करते हैं बहुत ज़्यादा। अभी तक आप लोगों ने स्ट्रगल देखा था, पर ये रिवर्स में आया है, तो यहाँ दिख रहा है कि आपके लिए स्ट्रगल खत्म होंगे और आप एक फिर से स्मूथ रिलेशनशिप देखेंगे। एक आसानी से कह सकते हैं आगे बढ़ने वाला रिलेशनशिप आपके लिए ये हो जाएगा जो अभी तक नहीं था। और अगर आप किसी से रिश्ते की शुरुआत चाहते हैं तो वो भी आपके लिए हो पाएगा अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं। वहीं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है टेम्परेंस का। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं यहाँ ऐसा लग रहा है कि सैजिटेरियस हो सकते हैं, धनु राशि के हो सकते हैं, और मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, नर्स या डॉक्टर हैं ये। बहुत बैलेंस पर्सनालिटी के खूबसूरत से पर्सन हो सकते हैं, और अगर आपके जीवन में ऐसे कोई इंसान नहीं है तो इस मंथ में जुड़ सकते हैं और ये मैरिज प्रपोजल के थ्रू आपके जीवन में आ सकते हैं, या हो सकता है इनसे आपकी फ्रेंडशिप हो। और ये बहुत ही खूबसूरत डिसेंट से पर्सन हैं,
वो सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, बहुत साइलेंट पर्सनैलिटी के हैं, बहुत वाइज हैं ये, और डॉक्टर या नर्स हो सकते हैं या मेडिकल स्टूडेंट भी हो सकते हैं ये। और यहाँ आपके पार्टनर जो है वो काफी कोशिशें करने वाले हैं रिश्ते को बैलेंस में रखने के लिए, जैसा आप कोशिशें कर रहे हैं वैसे ही वो भी काफी ज्यादा कोशिश करेंगे इस रिश्ते में, एफर्ट्स काफी करने वाले हैं ऐसा दिख रहा है। वही एनर्जी ओरेकल डेक से कार्ड आया है द सन का, तो इस मंथ में आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लिखी है, बहुत सारी खुशियां लिखी है। जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनके लिए ऐसा लग रहा है कि बेबी बर्थ का, स्पेशली बेबी बॉय के आने का आपके गुड न्यूज आ सकता है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई सन की तरह ब्राइट और बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन आ सकता है, जो बहुत बड़ी सरकारी नौकरी पे हो, या अगर प्राइवेट जॉब भी है तो उनको बहुत अच्छी उनकी पोजीशन हो सकती है। और आप भी अपने सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं या बिजनेस जॉब जो भी करते हैं, वहाँ आप काफी ग्रो करेंगे। सन की तरह ब्राइट और सनी रहने वाले हैं, और बहुत सारी आपकी कह सकते हैं एनर्जी जो है वो शिफ्ट होके बहुत पॉजिटिविटी की तरफ रहेगी। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, अगर हेल्थ इश्यूज से तो वो भी खत्म होंगे आपके लिए ऐसा लग रहा है। हर सेक्टर में आपकी ग्रोथ होगी, सन कार्ड बहुत प्रोग्रेसिव एनर्जी का कार्ड है। वही नेक्स्ट कार्ड आया है द थिंकिंग वुमन का, तो आप थिंकिंग वुमन से भी जुड़ सकते हैं इस मंथ में, या ऑलरेडी आप जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के टीचर लेक्चरर का कोई रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या एक लव प्रपोजल आ सकता है, या कुछ लोग जिनके साथ स्टडीज करते हैं उनके साथ ही आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए इसके काफी चांस हैं। और ये काफी जैसा थिंकिंग वुमेन आप देख रहे हैं तो ये सोच समझ के आगे बढ़ने वाले लोगों में से हैं, तो इनका साथ आपको इस मंथ में मिलेगा और इनसे आपको कैरियर में भी काफी गाइडेंस मिलेगा ऐसा भी दिख रहा है। और अगर आप रिलेशनशिप में तो आपके पार्टनर कैरियर में भी काफी ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं किसी तरह से। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है मैजिशियन एंड द मिरर का, तो इस मंथ में आप अपने मिरर सॉल से मिल सकते हैं और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होने के काफी चांस बन रहे हैं। तो अपनी प्रेयर जो है उसको इसी तरह से करते रहें, आप जो भी आपका रिलीजन है उनसे आप मांगते रहें, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है और यहाँ आपकी एक बहुत बड़ी विश पूरी हो सकती है। 53 नंबर आया है, 5 + 3 8 होता है, तो जस्टिस आपके लिए इस मंथ में होना लिखा हुआ है। वहीं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड बहुत अच्छा आया है एंजल ऑफ लव का, तो एक नए प्यार की शुरुआत हो सकती है, बहुत रोमांटिक और खूबसूरत पर्सन आपसे जुड़ सकते हैं। वहीं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है केयरिंग कनेक्शन का, तो आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करने वाले हैं, बहुत आपको समझेंगे, आपके इमोशंस को, बहुत ज्यादा रोमांटिक की मंथ रहने वाला है आपके लिए। काफी अच्छे मूवमेंट्स आएंगे, लाइट मूवमेंट्स आएंगे, बहुत प्यार मोहब्बत आपके पार्टनर आपको लेकर फील करने वाले हैं। और अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं तो इस तरह के किसी लविंग केयरिंग और बहुत ही खूबसूरत पर्सन का मैरिज प्रपोजल आपके लिए आ सकता है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप हो सकती है, पर इस मंथ में आप बहुत ज्यादा अच्छे मूवमेंट्स अपने लिए देखेंगे ऐसा लग रहा है। वही नेक्स्ट कार्ड आया है यिंग एंड यंग का, तो यहाँ से भी लग रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम जो हैं वो आपसे इस मंथ में मिल सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टार्टिंग हो रही है, रिपीटिंग नंबर आपको दिखेंगे 2 2 2 या 11 11 आपको दिख सकता है इस मंथ में, और इस तरह से आप जान सकेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम बहुत नजदीक हैं आपके। और कुछ लोग ऑलरेडी इस जर्नी में आ चुके हैं, तो उनके लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लिए स्ट्रगल्स खत्म होंगे और फिर से आप एक होने वाले हैं। अगर कोई स्ट्रगल था तो वो खत्म होगा आपके लिए। वहीं आपके लिए फेरिस की तरफ से कार्ड देखें, तो यहाँ आपके लिए कार्ड आया है लॉस्ट एंड फाउंड फेरी का, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप या कोई कह सकते हैं बहुत ही खास रिश्ता था जो अभी तक खो गया था आपसे, किसी का साथ छूट गया था, तो वो फिर से आपसे मिल सकते हैं। कुछ लोगों के एक्स बैक हो सकते हैं, कैंसर स्क्रॉपियो पाइसिस हो सकते हैं, और यहाँ आप अगर ऐसी प्रेयर कर रहे हैं किसी के आने की दुआ कर रहे हैं तो वो कबूल हो सकती है, आपकी प्रेयर जो है वो आंसर होगी। तो यहाँ लॉस्ट एंड फाउंड फेरी आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा आपका किसी से रिश्ता था जो फिर से आपको मिल सकता है इस मंथ में, फिर से वो इंसान आपसे कनेक्ट हो सकते हैं जो कहीं खो गए थे आपसे या छूट गए थे रिश्ते, आप दूरियों पे हो गए थे तो वो फिर से कनेक्ट हो सकते हैं आपसे। वही श्री विजडम का कार्ड है, तो हो सकता है इस मंथ में आपको यूनिवर्स काफी ज्यादा मैसेजेस सेंड करें, तो आप उन्हें समझें और उसके बाद अपने डिसीजंस लें ताकि आप अपने लिए जो सही है उसे चुन सकें। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है लुक इन अ बुक का, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में आपकी एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिविटी से भरी हुई है, और यहाँ कुछ मैसेजेस जो हैं वो आपको इस मंथ में मिलने वाले हैं, आपकी जो विजडम है वो भी बढ़ेगी। और
जैसा यहाँ मैसेज दिया हुआ है, वॉट एवर यू योर क्वेश्चन राइट नाउ, यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक, द वर्ड्स यू विल फाइंड विल ब्रिंग द इनसाइट यू सीक्री। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो स्टडीज में इन्वॉल्व हैं और कुछ क्वेश्चंस के आप आंसर चाहते हैं, तो यूनिवर्स उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको इस मंथ में देगा। तो आपको उन साइंस और सिग्नल्स को समझना है और कुछ मैसेजेस आपको सेंड किए जाएंगे बुक्स के थ्रू या टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं, तो उन्हें आपको समझने की कोशिश करनी है ताकि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सके। वहीं आपके लिए जो पर्सन आ सकते हैं इस मंथ में, उनके इनिशियल्स या साइन और आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज होगा ये भी हम देख रहे हैं। इनिशियल्स अगर हम देखें उनके, तो एम नाम से हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर का नाम, एस एच पी ए। राशि अगर हम देखें तो एरीज हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, मेष राशि के, पाइसेस हो सकते हैं, मीन राशि के हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर बन सकते हैं, कैंसर भी हो सकते हैं कर्क राशि के, और एक्वेरियस भी हो सकते हैं यानी कुंभ राशि के। आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज होगा इस मंथ के लिए ये भी हम देख रहे हैं। आई नेवर लीव यू अलोन, वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और आई कुड बी योर हीरो बेबी। ओके एंड ये भी मैसेज है, और यू आर द सोर्स ऑफ माई जॉय एंड सेंटर ऑफ माई वर्ल्ड, ऐसा भी मैसेज है, और इट्स लाइक ए मैग्नेट इज अट्रैक्टिंग मी टू यू, आई लव यू। जी वो बहुत ज्यादा आपको चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे चुंबक उन्हें खींच रहा है आपकी तरफ, आप उन्हें बहुत मैग्नेटिक लगते हैं, और आई लव द वे यू ऑलवेज इनकरेज मी टू डू माई बेस्ट। जी आप उन्हें हमेशा इनकरेज करते हैं और ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है आप में। तो आप लोगों के लिए ही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ हैप्पी मंथ जेमिनी।